भाई बताइए, आज आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने खुद इस बात को दोहराया, आप जब तक चर्चा नहीं करेंगे ये दर्शाता है ना भाई कि सिर्फ हंगामा ही आपको खड़ा करना है, आप लोग हल चाहते ही नहीं है, आप लोग बोर्ड ले आते हैं, तख्ती ले आते हैं, आप कीजिए ना चर्चा, आप भी तो अपनी बातों को स्पीकर के पास जाके चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहे ना, तो जैसे इस पे चर्चा शुरू होती है आप आज चाहेंगे आज चर्चा शुरू हो जाएगी, उसमें आप अपनी तमाम बातों को रखिए, आरोप प्रत्यारोप जो आपको करने हैं, बट आपका और हमारा दोनों का लक्ष्य कॉमन है भाई, सत्ता पक्ष भी मैटर को रिजोल्व करना चाहता है, वो भी चाहता है कि दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और आप लोग भी वही मांग कर रहे हैं, तो हम दोनों का जब लक्ष्य एक है तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, और भाई इससे कोई राजनीतिक लाभ होता भी नहीं है, जनता देख रही है भाई, जनता भी सुनना चाह रही है, आज ईमानदारी से रक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं मैं भी सुनना चाह रहा था, शोर हल्ले में सुनाई नहीं दे रहा, आपने हेडफोन्स भी लगाए हुए तब भी आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, एक बार सुनिए तो वो क्या कह रहे हैं, पर उसके बाद भी अगर आप सहमत नहीं है फिर आप हल्ला कीजिएगा, अगर आप जवाब से सहमत नहीं होते हैं पूरी बहस के बाद फिर आपको जो करना आप कीजिएगा, बट इन एंटीसिपेशन आप हाउस को नहीं चलने देते, ये पूरी तरीके से गलत है।